Good morning, everyone. Yes. So in the last class, we have started with the chapter that is understanding democracy, right? So what we have done, see, we are revising this chapter once again. You must be telling that, ma'am, why we are revising all the topics. That is why, because your book has been changed. So you might find certain differences in the topic. Okay. So we have dealt with three questions in the last class, that is, what is democracy and what are the types of democracy. That we have two types of democracy. The first one is the direct democracy and another one is the indirect democracy. Coming to the first page of this chapter, we have done what is democracy, direct democracy and indirect democracy. And I told you that we are going to start with the advent of democracy. Okay. Now, what do you mean by advent? Advent means that how democracy has been changed. Okay. So first of all, democracy jo word hai wo hamare samne kab aaya, wo Greece mein aaya. Okay. See, democracy was not a word, it was a practice. Ye practice thi jo ki Greece mein jo hai log karte the, jahan pe jitne bhi जो अच्छी फैमिलीज के जो लोग होते थे, जो एल्डर्स होते थे, वो सब जने एक जगह पे खड़े होते थे और अपने डे टू डे जो अपने हैं, अपने जो लाइफ के जो डिसीजंस हैं अपने नेशन को, अपने रीजन के लिए, वो वहाँ पे परफॉर्म करते थे, वो वहाँ पे सारे डिसीजंस को टेक केयर करते थे. तो वो एक पहला एग्जाम्पल है जो हमारे सामने आया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का. Okay, democracy word was being given to this practice later on, but this practice was started in the Greece, in the ancient Greece. Okay, so that is the first scenario when democracy was practiced in the form of direct democracy. Direct democracy is not done these days, as I told you that it cannot be done. Okay, now in ancient Greece, the earliest democracy began in Athens. Athens, that is the capital of Greece. In the 6th century BCE, in its ancient form, it was called as direct democracy, where all citizens assembled मतलब जहाँ पे एक जगह पे सारे जितने भी citizens थे वो इकट्ठा होते थे. That is the meaning of the word assembled, at one place to make law and take decisions regarding day-to-day matters of governance. यानी कि रोजमर्रा के जितने भी matters होते थे वो लोग सब मिलके decide करते थे. तो ये एक पहला scenario है जहाँ पे democracy की practice को लोग जो है फॉलो करती थी. उसके बाद में क्या हुआ, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, मिडिवल पीरियड. अब मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, आई हैव गिवन यू वन टर्म फ्यूडलिज्म. मैंने आप लोगों को एक फ्यूडलिज्म वर्ड पढ़ाया था. फ्यूडलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म एक प्रैक्टिस है. सी, डेमोक्रेसी से पहले दो क्लासेस जो होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. द फर्स्ट इज द किंग एंड अनदर पर्सन इज नोबल्स. नोबल्स कौन होते हैं, नोबल्स आर दोज पीपल हु हैव अ वेरी हाई पोस्ट एंड विच आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द किंग, उन्हें हम नोबल्स कहते हैं. अब किंग और नोबल्स दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ड्यू टू देयर पावर्स. किंग के पावर पास में पावर्स है कि वो नोबल को कुछ भी दे सकता है, एनी पावर, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मनी, एनीथिंग. सो दिस इज हाउ अ नोबल इज डिपेंडेंट अपॉन अ किंग. और किंग जो है वो नोबल पे डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि किंग अपनी प्रैक्टिसेस को खुद नहीं कर सकता, पर नोबल्स के थ्रू वो फॉलो करवाता था. इसलिए बोथ दीस पीपल वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और पुराने टाइम में ये लोग आपस में जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे. और थर्ड क्लास, जो पीजेंट क्लास या वर्कर क्लास जो होती थी, उनको एक्सप्लॉइट करते थे नए नए टैक्सेस को निकाल के. तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं. तो जब तक ये प्रैक्टिस चलती रही लोग फॉलो करते रहे, मगर जब बाद में लोगों को लगा कि ये टैक्सेस इंक्रीज करके डे टू डे हमारा जो है एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे वॉर जो है लड़े गए और उसके बाद में जो है फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया गया. अब फ्यूडलिज्म के बाद में लोगों ने सोचा कि क्या होना चाहिए, तब उनको मन में आया कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होनी चाहिए जहाँ पे हर एक पर्सन की इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, ईदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे ऑफ डेमोक्रेसी, बट ईच एंड एवरी पर्सन एटलीस्ट हैज अ राइट टू से समथिंग. ओके, सो दिस इज हाउ मिडिवल पीरियड में चेंज आया, फ्यूडलिज्म का एंड हुआ और उसके बाद में डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई. ओके, सो लेट्स रीड हियर. इन द मिडिवल पीरियड, सेवरल यूरोपियन रूलर्स वाइल मेकिंग पॉलिसीज
वाइल मेकिंग पॉलिसी कंसल्टेड चर्च ऑफिशियल्स. उस टाइम पे क्या करते थे, पॉलिसीज बनाने में चर्च ऑफिशियल्स की हेल्प लेते थे एंड वेरियस ग्रुप ऑफ सिटीजन्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स. विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, जब यूरोप में फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ इन द 14th सेंचुरी, पावर शिफ्टेड फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स टू द किंग एंड द कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल के हाथ में पावर्स आने लगी. द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि लोगों में ये भावना आने लगी कि हमें हमारे कंट्री को अच्छे से चलाना चाहिए और उसके लिए हर एक पर्सन का कोई ना कोई राइट होना चाहिए. Also shifted power away from the feudal lords. और यहाँ पे power का shift हो गया. पहले feudal lords जो होते थे, जो nobles होते थे या lords होते थे, जिनके पास बहुत ही high position होती थी. Europe में जो बहुत ही high officials होते हैं उन्हें lords भी कहते हैं. तो वो जो lords थे उनके हाथ में से power जो है अब common लोगों के हाथ में power shift हो गई थी. And laid the foundation of the establishment of democracy. तो ग्रीस के बाद में हमने मिडवेल पीरियड देखा. मिडवेल पीरियड में हमने क्या देखा, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम द किंग टू द कॉमन पीपल. नाउ कमिंग टू यूरोप, अब यूरोप में क्या हो रहा था. यूरोप में जैसे कि हमारे हिस्ट्री में हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में वैदिक एज पढ़ी है, वैदिक एज जिसमें हमारी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत चेंज आए थे. वैदिक एज के आपको पता होगा दो पार्ट थे, लेटर और अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड. तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में दोनों में ही सोसाइटी में बहुत चेंज है. वैसे यूरोप में भी रेनेसेंस के टाइम पे यूरोप में बहुत शिफ्ट हुआ था, यानी कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी सब फील्ड में बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए थे, वेरी गुड इंप्रूवमेंट हुई थी. उससे पहले यूरोप के टाइम को डार्क पीरियड भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोगों के हाथ में पावर्स होती थी और बहुत ही लिमिटेड लोगों जो है की बातों को फॉलो किया जाता था. सिटीजन्स के हाथ में कोई पावर्स नहीं थी. इंपेरियलिज्म और इंटरफेरेंस इन टू अदर्स कंट्री मैटर बहुत ज्यादा था. ओके, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन है वहां पे कोई भी दूसरी कंट्री का आके वहां पे जो है इन्वेशंस करते थे, वहां के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ये सब बहुत होता था. मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी. पर रेनेसेंस के टाइम के बाद में आर्ट, लिटरेचर सब की थिंकिंग में बहुत चेंज हुआ था. उस पीरियड को ये रेनेसेंस टाइम कहते हैं. The Renaissance humanists revived मतलब change Greek literature and culture, which led to the growth and implementation of the concept of democracy. और यहाँ पे जब लोगों की thinking change होने लगी तो लोगों को लगा कि democracy का जो concept है वो follow होना चाहिए, जहाँ पे हर एक person के हाथ में powers होती है. Legislative bodies came into being. Legislative bodies का मतलब कैसे क्या वहाँ है, जैसे in our country we have राज्यसभा and लोकसभा. Okay, we have Rajya Sabha and Lok Sabha to consult all the matters. Whatever matters are there are consulted and talked about and discussed about in Rajya Sabha and Lok Sabha, and only when the consent is there then only it turns into law. तो ये जो concept है ये उस time से आ गया था legislative bodies का, which were composed of representatives from both aristocratic and non-aristocratic families. Aristocratic people वो होते हैं जो कि high या फिर बहुत ही ज़्यादा prestigious families से belong करते हैं, nobles की family से belong करते हैं, या जिनके पास बहुत land है, बहुत money है, उन्हें हम कहते हैं aristocratic families. पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नॉन एस्ट्रेट, मतलब जो कि सिंपल लोग होते थे जिनके पास में कोई पर्टिकुलर पावर नहीं है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है. मतलब उस टाइम के लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर दोनों ही तरह के लोगों को इंक्लूड करा गया, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के भी और नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के भी लोगों को, दोनों को ही इंक्लूड करा गया. ओके, तो ये जो चेंज था वो यूरोप में आया था. अब यूरोप में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इंग्लैंड. इंग्लैंड में 1600 से पहले मोनार्की थी, किंग का राज था वहां पे, और वहां पे ओब्वियसली व्हेन मोनार्की वाज देयर, तो मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे जो एक पर्टिकुलर मोनार्क होता है, डिक्टेटर होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है पूरी कंट्री जो है गवर्न होती है, उसके विम्स पे, उसकी थिंकिंग पे. उसमें जो सिटीजन्स हैं उनका क्या रोल है, सिटीजन्स की थिंकिंग क्या, उसको मैटर जो है उसको जो है इंपॉर्टेंस नहीं लिया जाता है. तो इंग्लैंड के अंदर 1688 के अंदर एक रेवोल्यूशन लड़ा गया, दैट वाज कॉल्ड एज ग्लोरी
इस लिबरेशन, और उसके बाद में डेमोक्रेसी की धीरे धीरे वहां पे एस्टैब्लिशमेंट होने लगी, बिकॉज प्रीवियसली देर वॉज मोनार्की एंड पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड. ओके, द रेवोल्यूशन गेव अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है वॉट एवर अ किंग सेज बिकम्स अ रूल. ओके, यानी कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, अब मोनार्क और अ डिक्टेटर, वॉट एवर ही और शी सेज बिकम्स अ रूल इन स्पाइट ऑफ द थिंकिंग ऑफ द पीपल, इन स्पाइट वॉट द पीपल वॉन्ट, वॉट एवर दे आर सेइंग बिकम्स अ रूल, विच इज वेरी रॉन्ग. ओके, तो ये जो एब्सोल्यूट रूल है इसको हटाने के लिए डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट and made the ruler answerable to the parliament. यानि कि ruler अगर कोई भी rule बनाता है तो वो parliament को answerable है कि उसने ऐसा rule बनाया है तो क्यों बनाया है. okay, इससे पहले जो king और ruler होता था वो किसी को answer नहीं करता था, वो जो भी rule बनाता था वो लोगों को follow करना पड़ता था, and those who are not following it will be given a punishment. okay, but now the parliament is in a importance and a ruler or a king or a dictator has to answer to the parliament. okay, so this is what happened in Europe. okay, Europe mein we have an example of England. लेटर ऑन वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस ऑल्सो. फ्रांस में भी 1700 में रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पे भी मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट अल्टीमेटली दे केम टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. ओके, सो रेनेसांस इन यूरोप के में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा इंग्लैंड का. उसके बाद में कमिंग टू अमेरिका वॉर फॉर इंडिपेंडेंस. अब हम अमेरिका की तरफ आते हैं. अमेरिका में डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसे हुई? अमेरिका में भी ब्रिटेन, यू नो ब्रिटेन ने कॉलोनी जो है बहुत जगह पे बनाई थी. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया ऑल्सो. इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिका वॉज, विच इज द बिगेस्ट पावर इन दीज टाइम्स, वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो. okay, but they had an independence revolution like we had in 1700, and after that the democracy was established, constitution was written. okay, a war of independence ensued between British colonies in America and Britain in the year 1775, also known as the American Revolutionary War. it marked the end of British imperialism in America. इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपेरियलिज्म का मतलब होता है व्हेन अ बिगर कंट्री व्हिच हैज मोर पावर मेक्स अ कंट्रोल और कीप्स अ कंट्रोल ओवर वीकर कंट्रीज. ओके, यानी कि बड़ी कंट्री जो होती है या फिर जो एक कंट्री है जिसके पास में ज्यादा पावर्स होती हैं, वो एक अपने से वीकर कंट्री के अंदर अपने रूल को एस्टैब्लिश करती है, उसे इंपेरियलिज्म कहते हैं. ब्रिटिश का जो इंपेरियलिज्म था वो अमेरिका में भी था और इंडिया में भी था. ओके, सक्सेस ऑफ द अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस अशर्ड इन द आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो इंडिपेंडेंस का जो वॉर हुआ था इन द ईयर 1775, उसके बाद में पीपल थॉट दैट वी मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वी शुड हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट वी कैन कीप अ कंट्रोल ऑन ईच एंड एवरी पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन आर कंट्री. Then only we can keep a control on the working of our country. Okay, in the year 1789. Okay, a Bill of Rights was included in the Constitution that gained the basic rights to the citizens. और इसके साथ में एक Bill of Rights लिखा गया. Bill of Rights में जो citizens होते हैं उनके rights को लिखा गया. और ये ऐसे रूल्स हैं, ऐसे राइट्स हैं, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट इट. वायलेट का मतलब होता है जो कि गवर्नमेंट भी उसको सरपास नहीं कर सकती, मतलब वो राइट्स जो है सिटीजंस के हाथ से नहीं ले सकती है गवर्नमेंट. दोज राइट्स वर रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. द बेसिक राइट कुड नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द गवर्नमेंट. द सिटीजंस वर एंटाइटल्ड टू द बेसिक राइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एज वेल. Okay, so we have talked about that the advent of democracy started from Greece. Then in medieval period, feudalism was ended and the power shifted from the feudal lords to the poor people. Renaissance age in Europe changed a lot in Europe, and we have seen the glorious revolution which happened in England and ended the monarchy.
After that, we have read about America War of Independence. America, which was again one of the colonies of the Britishers, like India was, and they had the American War of Independence. And after that, they had a written constitution, a Bill of Rights was written for the protection of the rights of the citizens. Okay, and then we have an example of French Revolution. Okay, again, French Revolution is a similar example as we have in England. जैसे इंग्लैंड में 1600 से पहले मोनार्की थी, वैसे ही फ्रांस में भी मोनार्की थी. और धीरे धीरे फ्रांस में जो ट्रेजरी जो होती है, ट्रेजरी जहां पे मनी रखा जाता है, वो ट्रेजरी में मनी खत्म हो रहा था. सो व्हाट किंग डिड, बिकॉज किंग वांटेड टू हैव अ वेरी गुड लाइफ एंड टू हैव दैट काइंड ऑफ लग्जरी लाइफ, दे वांटेड टू हैव मनी. और वो मनी कहां से आएगा, दे रेज द मनी बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस. एट दैट टाइम जब लोगों के पास में, व्हेन द पीपल डज नॉट इवन हैव द मनी टू बाय टू मील्स अ डे, at that time they increased the taxes. और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज किया जहां पे लोग जो है उनके खिलाफ खड़े हो गए. and then they had the French Revolution and even after the revolution it took a number of years, but ultimately democracy was established in France. okay, so France is again one of the examples that how democracy was established in France. okay, the French Revolution of 1789 dealt a death blow to the divine right of the king. divine right of the king मतलब king समझता है कि उसके पास में divine right है कि वो जो भी करेगा लोगों को follow करना पड़ेगा. and brought in the ideas of liberty, equality and fraternity. liberty मतलब लोगों के पास में freedom होनी चाहिए. equality means that each and every citizen should be considered equal. it's not like that only, उस टाइम पे क्या होता था कि only जो poor people, farmers, merchants होते थे, सिर्फ उनको जो है tax pay करना होता था. and kings and nobles and the church officials were not paying taxes. okay, तो ये equality होनी चाहिए. if the taxes are imposed, then it should be imposed on each and every person. fraternity means that every person is part of a country. okay, the declaration of the right of man and of the citizen declared that an individual is born free and upheld the universal and natural right of humans. it also led to the abolishment of slavery. उस टाइम पे स्लेवरी फॉलो होती थी. उस टाइम पे क्या होता था, अमेरिका जो है ब्रिटेन फ्रांस जो है वो वहां से अफ्रीका से जो है स्लेव्स को जो है लेते थे और उसको दूसरी कंट्रीज में लाइक अमेरिका में उनको ट्रेड करते थे, अमेरिका में उनको सेंड करते थे. तो स्लेवरी का भी एंड हुआ, डेमोक्रेसी का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ फ्रांस. आप ये फोटो देख सकते हो. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज दिस यू नो अ काइंड ऑफ अ स्टोन इन विच ऑल द राइट्स आर रिटन. okay, the declaration of the right of man and the citizen. so this is the kind of a stone in which all the rights are written. one more picture is there. see in this picture, Renaissance fresco called the school of Athens. okay, Renaissance fresco. fresco का मतलब क्या होता है, एक ऐसे painting जिसे हम mural painting कहते हैं. यानी कि जब आपका प्लास्टर जब वेट होता है, गीला होता है, उस टाइम पे ड्राई कलर्स को यूज करके जो पेंटिंग होती थी, जो कि आपको जनरली जो है यूरोप में देखने को मिलेगी, उसे हम फ्रेस्को कहते हैं. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेस्को. देयर इज एन अनदर पिक्चर इन विच द साइनिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और साइन किया गया, ये उस टाइम का पिक्चर है. ओके, so till now we are going to do this only, and then in the next class we are going to discuss the world war, that how world war first and world war two also created an impact on creating democracy and establishment of democracy. okay, thank you so much.